चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के ताकि हमारा हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे। वेलकम बैक। लाइफ में, जॉब में, करियर में ग्रोथ चाहिए या एकेडमिक्स में मार्क्स इंप्रूव करने हैं? अ वेरी इजी वन सॉल्यूशन, इंप्रूव योर इंग्लिश। कई लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करनी है पर उनको ये नहीं मालूम क्या और कैसे करें। Today I'm going to share two very easy and very powerful ways those are really going to help you to improve your English. आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच पर्सनालिटी डेवलपर काउंसलर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, उन्हें काउंसिल करती हूँ, उनके बिलीव्स पर काम करके उनके माइंडसेट को चेंज कर देते हैं ताकि वो एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें या इंग्लिश कैसे सीखें, और मेरा एक कॉमन क्वेश्चन जाता है कि हिंदी कैसे सीखी थी। कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं, फिर सोचते हैं शायद स्कूल जाके। नहीं, स्कूल जाके आपने लिखना और पढ़ना सीखा है, जबकि हिंदी बोलना या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो आपने अपने घर में ऑलरेडी बोलना सीख ली थी। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज लिसनिंग। हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों को अच्छा स्पीकर बनना है। आई डाउट अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो अच्छा स्पीकर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लिसनिंग आपको इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज देती है और आपके ब्रेन, आपके माइंड को चांस देती है दूसरी लैंग्वेज एब्जॉर्ब करने का और उसको प्रोसेस करने का। देखिए, छोटा बच्चा अपने घर में ही सुन सुनकर बोलना सीख जाता है। जितने भी नए गाने मार्केट में रिलीज होते हैं आप दो तीन बार सुनने में तो गाना सीख जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ लिसनिंग। नाउ द सेकंड हैबिट, यस, बट लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि किसे सुने और क्या सुने, देन प्लीज कमेंट, सजेस्ट स्पीकर। अब सेकंड वेरी पावरफुल टूल, रीडिंग। रीडिंग इज द रियल गेम चेंजर। अगर किसी तरीके से आप ये हैबिट डेवलप कर पाए, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि मैम हमें तो किताब उठाते ही नींद आने लग जाती है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग, मैं आपकी कोर्स बुक, स्कूल बुक की बात नहीं कर रही हूं। तो अगर आप किसी तरीके से एज अ बिगिनर रोज सिर्फ 3 पेज पढ़ने की आदत डाल लें, और अगर आप ये कंफ्यूजन में है कि क्या पढ़ें, then please comment, suggest book. Now, reading fills your mind with information, knowledge, it improves your language, it works on your vocabulary and it all makes you more confident. So, up, listening in English and reading in English, these two things works like wonders. It work as a foundation to improve your English. So please keep listening and keep reading and keep investing in yourself because we all have only one life to live. Thank you. Namaste.